नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। गंदवानी जिले के जीराबाद क्षेत्र की एक आदिवासी युवती 7 महीने पहले चिप्स की कंपनी में काम करने के लिए इंदौर आई। यहां पर बबलू नामक युवक के संपर्क में आने के बाद उसे एक गिरोह ने झांसे में लिया और 2 लाख में बेच दिया। जब युवती को इस पूरे घटनाक्रम का आभास हुआ तो युवती ने छिप कर माँ को फोन किया। इसकी जानकारी परिजनों ने उनके समाज की ही इंदौर में रहने वाली जबलपुर की पूर्व ईसी सदस्य सुषमा डावर को दी। सुषमा युवती की असली मां और भाई बहन के साथ उसकी तलाश कर रहे हैं। बड़ी बहन बताती है कि द्वारकापुरी क्षेत्र में युवती किराए से रहती थी। इसी दौरान उसके संपर्क में बबलू आया। बबलू ने युवती को अपने झांसे में लिया और फिर उसने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों से भी मिलवाया। इसी दौरान बातचीत में सदस्यों ने यह बोलकर उसे फंसा लिया कि किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी माँ शादी के बोझ से मुक्त हो जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।